देवरी नगर परिषद देवरी में आज रघुवंशी गार्डन में कांग्रेस मंडल में सेक्टर मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं निरीक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हम प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ यदि हमारी सरकार बनती है तो बरेली को जिला बनाया जाएगा। ये देवरी के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी और मैं इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आज कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएंगे। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी की सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे पहले व्यापम घोटाला हुआ और अब प्रदेश के अंदर पटवारी घोटाला हो गया, जो पढ़े लिखे थे वह भी पटवारी बन गए। ऐसा कांग्रेस की सरकार में नहीं होगा, हम युवाओं को रोजगार देंगे जिससे कि देश का युवा आगे बढ़े। हमारी सरकार में हम अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए का विकास करेंगे जिससे कि प्रदेश के अंदर हमारा क्षेत्र विकास के मामले में एक अलग पहचान बनाएगा। सभी कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। हृदय से सभी कार्यकर्ताओं का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और जो किसी कारण बस नहीं आ पाए सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। एमएलए बनने के बाद में 18 साल में यहां देवरी के लिए सबसे पहले तहसील बनी, मेरे विधायक बनने के बाद सबसे बड़ी सौगात क्षेत्र के लिए रही, यहाँ तहसील बनी। इसके बाद में मेरी विधायक काल में यहाँ नगर पंचायत बनी और निश्चित है तो बरेली देवरी के लिए सबसे बड़ी सौगात कमलनाथ जी के बनने में और पुनः मुझे विधायक बनाने के बाद में सबसे बड़ी है कि यहाँ बरेली जिला बनेगा। ये सबसे बड़ी सौगात हमारी देवरी के लिए होगी, जो यहाँ का बरेली जिला बनेगा ये देवरी की सबसे बड़ी सौगात रहेगी। और हमारे क्षेत्र में जितने रोड हैं, जो रोड नहीं बने वो रोडों से पूरे रोड बनेंगे, रोडों से पूरे गाँव जुड़ेंगे। और हमारे बरेली में जो भी नगर पंचायत बनने के बाद में आज लंगड़ी नगर पंचायत है विकास के लिए, तो यहाँ भरपूर पैसे इस नगर पंचायत में क्षेत्र में दिया जाएगा। और इस नगर क्षेत्र का जो कि इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र पूरा जुड़ा हुआ है, एक रुपया का भी काम पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं हुआ है। इससे हम करोड़ों की राशि से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में डांट के और करोड़ों की राशि से हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, ये सबसे बड़ा मूल उद्देश्य हमारा रहेगा।